मैं हूँ अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ जीतिया स्पेशल नूनी के साग के पकौड़े बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो नूनी के साग के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे नूनी के साग को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और उसके बाद इसको छोटे छोटे पीस में कट कर दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे चॉप किए हुए अनियन, अब हम कूसी किराव डालेंगे। तो कूसी किराव को यहाँ पे मैंने कुक कर लिया है ताकि ये अच्छे से पकौड़े के अंदर मिक्स हो जाए और जब हम इसे फ्राई करें तो ये कच्चा जो कच्चा वाली फीलिंग आती है ना वो यहाँ पे नहीं आएगी। बेसन, हरी मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे चावल को भिंगो करके और उसे मैंने पीस लिया है, इसको हम पकौड़े में ऐड करेंगे। इससे जो पकौड़े हैं काफ़ी क्रंची बनते हैं तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, इस चीज़ को आप ज़रूर ऐड कीजिए। अब यहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सभी चीज़ों को इसी तरीके से मसल करके हम मिक्स करेंगे। ये काफ़ी आसानी से यहाँ पर मिक्स हो जाएगी और इसके पकौड़े तब आप बनाएंगे बिना पानी के तो काफ़ी टेस्टी और क्रंची बनेंगे। तो इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा, इस तरीके से मिक्स कीजिए। हल्दी का पाउडर हम डालेंगे, मैंने डाला हुआ था हल्दी का पाउडर लेकिन वीडियो क्लिपिंग जो है वो थोड़ी सी मिस हो गई है तो इसलिए मैं आप लोगों को दोबारा से बता रही हूँ कि हल्का सा हल्दी का पाउडर भी हमें इसे मिक्स करना। और अब मिक्स हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुका है तो पकौड़े हम फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो पकौड़े हम एक एक करके तेल में डालते जाएंगे। जितिया में कूसी केराव और नूनी दोनों ही चीज़ें खाई जाती हैं इसलिए इस दोनों को मैंने मिक्स करके और इसके पकौड़े बनाए हैं। इसे ये पकौड़े काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगेंगे और अगर आप दोनों चीज़ों को अलग अलग नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से एक साथ दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप पकौड़े बना सकते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये देखिए एक साइड से पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, इस तरीके से पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। गैस के फ्लेम को आप मीडियम टू लो रखिए, हाई पे मत रखिए नहीं तो पकौड़े एक तो जल जाएंगे ऊपर से अच्छे से क्रंची भी नहीं हो पाएंगे। और अब हमारे जो नूनी के साग के पकौड़े हैं दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इन सबों को हम निकाल लेते हैं और सभी पकौड़ों को आपको इसी तरीके से तल लेना है। तो